शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये लो, ये रहा तुम्हारा इनाम। क्या बाबा, हाथ तो तुम बहुत बड़ा मारे ना, फिर कभी ऐसा नाटक रहे तो बंदी को ही याद करना मियां। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अगर इस कबाड़ी की दुकान से ये पुराना झूला खरीद कर इसी झूले पर सोने का पानी चढ़वा दूं तो असलम मियां के लाखों रुपए निकल सकता हूँ। बाबा खुदा की कसम, कैसे कैसे कभी नहीं आइडिया दिमाग में आते, ये आइडिया मुझे अमीर बनाकर ही छोड़ेंगे। हाँ। अरे कबाड़ी मियां। अच्छा अच्छा, तुम्हें है क्या ये डब्बा बेचने को आए क्या है? इसके मैं तुम्हारे को सिर्फ 2000 रुपए दूंगा। अरे ये डब्बा नहीं, ये मेरी गाड़ी है और मैं इस गाड़ी का मालिक हूँ। तुम इसके मालिक क्या? हाँ। सूरत से नहीं लगते ना? हैं? क्या सूरत से? सूरत से तुम्हें हमारी जात वाले लगते हैं। ठीक है ठीक है, ये बताओ इस झूले का क्या लोगे? अयो, ये झूला? हाँ। ये तो बहुत खास झूला है भाई, 1500 रुपए से एक दमड़ी कमती नहीं लूंगा मैं। वाह 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 वाह, ये जंग पकड़े हुए झूले के 1500 रुपए, वाह। जय हजरत, ये हमारी तुम्हारी उम्र का झूला है, जंग नहीं पकड़ेगा तो और क्या पकड़ेगा भाई। इसका किस्सा सुनो, बड़े बड़े नवाबों की जो औलाद है ना, ये झूले में झूल के निकली। तुम लेके जाओ ये झूले को और झूल के निकलो। ठीक है ठीक है, झूला गाड़ी में रखो और ये लो 1500 रुपए। जय 1500 गाय को देते जी, 500 रुपए मेरे से लो और ये डब्बा मेरे पास रख दो। अरे खामोश, ये झूला रखो गाड़ी में। हाँ रखता हूँ भाई। नगमा, अरे नगमा बिटिया। जी मामू जान। अरे जुल्म पर जुल्म हो रहा है, अब तू नंबर 2 पर नहीं, नंबर 9 पर पहुँच जाएगी। हाँ। क्यों, ऐसा क्या हो गया मामू जान? अपनी आँखों से देख कर आ रहा हूँ बेटी, नवाब साहब ने रुखसार के होने वाले बच्चे के लिए सोने के पालने का एडवांस में ऑर्डर दे दिया है और उसमें इतने इतने मोटे मोटे ही जड़वाए हैं। वहाँ एक बच्चा शहजादों की तरह जिएगा और यहाँ दूसरा बच्चा भीख मंगों की तरह। हमारी बेचारी नगमा पर एक के बाद दूसरा पहाड़ टूटता रहता है। यही तो मैं कह रहा हूँ, उसका बच्चा हवेली की ऊंची ऊंची दीवारों में सांस लेगा और इसका बच्चा 10x10 के कमरे में। उसके लिए लंबी लंबी आलीशान बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी और इसके बच्चे के लिए इसके अबू की पुरानी टूटी फूटी वही फियर। मेरा बच्चा भी सोने के पालने में झूलेगा, उसके लिए भी आलीशान गाड़ियां होंगी, वो भी नवाबों की तरह जिएगा। ओहो, तू तो जागते हुए भी खा देखती है। हाँ जी, तेरे बैंक अकाउंट की सेहत बहुत खराब है। हाँ मेरी बात मान, तू फिर से शोज और मॉडलिंग का काम शुरू कर दे। अरे सोने का नहीं, कम से कम चांदी का पालना तो आएगा। नगमा को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, हमारे बच्चे के लिए भी सोने का पालना आएगा और आलीशान गाड़ियां भी। पर ये कैसे होगा सलमिया, उसके लिए लाखों रुपए चाहिए। पालना खरीदने में खुद चलता आपके साथ, लेकिन मुझे आज एक जरूरी बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली जाना है। कितना भी रुपया लगे मामू जान, लेकिन पालना हवेली वालों से बड़ा होना चाहिए। ये लीजिए, पूरी चेकबुक साइन कर दी है। असलम बेटा, मुझ पर इतना भरोसा ना करो कि मुझे अपने आप पर शक होने लगे। मामू जान, अपनों पे भरोसा किया जाता है, शक नहीं। जीत रहो बेटा, जीत रहो। आप मुझे एयरपोर्ट छोड़ने नहीं चलेंगी? जी हाँ, चलिए। अजगर नाम है मेरा। जानती हूँ जी, आप डसते नहीं निगल जाते हैं। नवाब साहब, अल्लाह ने चाहा तो रुखसार बिटिया को चांद सा बेटा होगा। नवाब साहब, मुबारक हो नवाब साहब। हाँ हाँ बोलो। रुखसार मैडम को बेटा हुआ है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। ये लो बेटी, ये तेरा इनाम। जी नहीं। ले लो बेटी, तुम्हारा इनाम है। शुक्रिया। मुबारक हो नवाब साहब। आपको भी। जी
सब बेटे, बहुत बहुत मुबारक। अल्ताफ अहमद साहब, मुबारकबाद तो उन्हें दी जाती है जिन्हें सुनकर खुशी होती है। इन्हें तो सिर्फ इत्तला देनी है कि हमारी बहू रुखसार ने अभी अभी हमारी हवेली के वारिस को जन्म दिया है। रुक जाओ, आज हम परदादा बने हैं। ये लो, सारे अस्पताल में मिठाइयां बांट दो। सिस्टर, ये लो, सब बच्चों में मिठाइयां बांट दो। बाकी का ये रुपया गरीबों में खैरात कर दो। बेवाओं की मदद करो, भूखों को खाना खिलाओ। हमारे पोते की जिंदगी का सदका दे आओ। जाओ ले जाओ। अरे नवाज साहब ने पूरा ब्रीफ केस खाली कर दिया। दो कौड़ी की नर्स को 20,000 रुपए दे दिए, डॉक्टर को सोने की घड़ी दे दी, जैसे बाप का माल है। अरे ये सारी दौलत तो तेरी होने वाली औलाद की है और लुटाई जा रही है दुश्मनों की औलाद के सदके। देखिए डॉक्टर साहब, मेरी भांजी को बेटा ही पैदा होना चाहिए। अगर बेटी पैदा हुई ना तो मैं इस अस्पताल को आग लगा दूंगा, फिर यहाँ कोई बच्चा वच्चा पैदा नहीं होगा। आप पागल तो नहीं है? चाहिए अपना दिमाग चेक करवा के आइए। क्यों, मेरे दिमाग में कोई खलल है क्या? खलल? मुझे तो लगता है कोई दिमाग ही नहीं है। इसका मतलब है कि मैं बगैर दिमाग के जी रहा हूँ। अजी साहब, बेटा या बेटी पैदा करना ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। ऊपर हाँ, वाले के हाथ में है। इसका मतलब है कि साइंस ने कोई तरक्की वरक्की नहीं की। झूम रे दादा झूम, झूम रे दादा झूम, झूम रे दादा झूम, अरे झूम रे नाना झूम। जीते रहो बेटी, जीती रहो। चांद सा बेटा मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो दादा हुजूर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सिस्टर। सिस्टर जी, वो कमरा नंबर 219 में जो मैडम है, उन्हें कोई बच्चा हुआ? हाँ मैडम, कल रात 2:30 बजे ने लड़का पैदा हुआ है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या आप उन्हें जानती हैं? हाँ, वो मेरी छोटी बहन है। तुम मेरा एक काम करोगी? जी कहिए। उन्हें मेरी तरफ से एक फूलों का गुलदस्ता दे आना और कहना रुखसार ने बहुत बहुत मुबारकबाद दी है। और हाँ, ये भी पूछना कि मैं उनके बेटे को कब देखने आ सकती हूँ। जी अच्छा। अरे ठहरो 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 भाई ठहरो, ये बागीचे लिए कहाँ घुसी चली आ रही है? किसने भेजा है ये? रूम नंबर 214 की मैडम रुखसार ने भेजा है। नगमा मैडम के लिए भेजा है और बच्चे की मुबारकबाद दी है। उन्होंने पूछा है वो बच्चे को देखने कब आ सकती हैं। हाँ तुम मुझे दे दो जी। और तुम जाओ। मामूजान, फूलों को इतने गौर से क्या देख रहे हैं? रख दीजिए कोने में। अरे ये औरतों की जलन बड़ी जहरीली होती है, कुछ भी हो सकता है। इन फूलों में जहरीले सांप हो सकते हैं, बम हो सकता है, कोई काला जादू टोना हो सकता है। हाय अल्लाह, किसी ने मेरी चचाजात बहन के कमरे में जादू टोना करके गुलाब के फूल भेज दिए थे। अगले दिन मेरी बहन का इंतकाल हो गया। हाय अल्लाह। दुश्मन दुश्मन ही होता है नगमा बेटी, वो दुश्मनी का वार किए बिना नहीं चूकता। बेहतर यही होगा कि मैं ये फूल बांट दूं। हाँ, हाँ, हाँ। खबरदार, रिश्ते की डोर जो टूट चुकी है उसे फूलों के जरिए कभी जोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब दूरियां नदी के दो किनारों की तरह हैं, जो कभी आपस में नहीं मिल सकती। औरत की आहों में वो तपिश होती है जो हजारों नदियों को सुखाकर जमीन बना सकती है। जब नदी ही नहीं रहेगी तो किनारे भी नहीं रहेंगे। तुम चाहे नदी सुखा दो या समुंदर, पर इतना अच्छी तरह से जान लो कि अब तुम्हारी कोई चाल नहीं चल पाएगी। तुम्हारी औलाद को जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मैं अगर चाहूँ तो शरीयत के हिसाब से, इस्लामी कानून के हिसाब से सारी जायदाद में अपने बेटे का आधा हिस्सा आज भी मांग सकती हूँ।
मगर मैं मांगूंगी नहीं, क्योंकि नगमा का बेटा भी मेरा ही बेटा है। ऐसी हजारों जायदाद उस पर कुर्बान है। चले जाइए यहाँ से, खुदा के लिए चले जाइए। जैसा तुमने कहा है, अगर वैसा नहीं हुआ तो याद रखना, अजगर है नाम मेरा, मैं डसता नहीं, निकल जाता हूँ। रुखसार बेटे। दादा हुजूर, आपकी छोटी बहू नगमा को भी बेटा हुआ है। दादा हुजूर, अब एक बार जाकर नगमा के बेटे को गले लगा लीजिए, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। नहीं बेटी, ये हमसे नहीं हो सकेगा। दादा हुजूर, हमारी हवेली में औलाद नाम की पहली खुशी वही मासूम लेकर आया था। शायद उसी के मुबारक कदमों से हमें औलाद की दूसरी खुशी देखना नसीब हुई है। लेकिन रुखसार। दादा हुजूर, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, उस बच्चे के लिए भी खैरात कीजिए, उसकी जिंदगी का भी सदका कीजिए। रुखसार। दादा हुजूर, जिस तरह आपने मेरे बच्चे के सर पर हाथ रखकर उसकी लंबी उम्र की दुआ की है, उसी तरह नगमा के बच्चे के सर पर हाथ रखकर उसकी लंबी उम्र की दुआ कीजिए। लेकिन तुम समझने की कोशिश। दादा हुजूर, जाइए, मेरी खातिर जाइए दादा हुजूर। रुखसार बेटी, फरिश्तों को देखने की हमारी बड़ी तमन्ना थी, लेकिन आज तुम्हें देखकर लगता है कि अल्लाह मियां ने हमारी तमन्ना पूरी कर दी। हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, तुम्हारी खातिर, तुम्हारे असलम की खातिर। झूठ रे दादा, झूठ, झूठ। जा 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 ज